हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज़ का जो बैक साइड होता है, तो बैक साइड में जब हम ये टक्स पॉइंट लगाते हैं तो ये टक्स जो है कितने इंच पे इसकी लंबाई चाहिए और कितने इंच पे इसकी चौड़ाई चाहिए, ये आज हम देखते हैं। वीडियो देखने पर वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम बैक साइड का जो टक्स पॉइंट होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्या बैक साइड का टक्स जो है, यहाँ से आप 2 इंच 3 इंच 4 इंच जो भी आपको लेना है वो लेते हैं, और यहाँ पे चौड़ाई भी हम यहाँ से सेंटर पे कोई लेता है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका बहुत सारा फर्क पड़ता है। जब हम बैक टक्स देते हैं, इससे क्या हो जाता है, जब हम बैक टक्स देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, कभी कभी जो बैक साइड का पार्ट जो है वो ऊपर के साइड में, जैसे आगे के साइड में जब झुक जाता है, तब आपको यहाँ पे जो बैक साइड का टक्स जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे इसकी लंबाई कम होगी तो हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, इससे क्या हो जाएगा, शोल्डर पर हमारा शोल्डर रहेगा, इससे ब्लाउज जो है वो आगे के साइड में नहीं झुकेगा, और हमारा टक्स कम रहेगा तो इस तरीके से ये ब्लाउज जो है हो सकता है, जैसे आगे के साइड में वो झुक सकता है। लेकिन जब हम टक्स पॉइंट जो एकदम परफेक्ट देंगे तो ब्लाउज़ भी हमारा एकदम परफेक्ट बैठेगा, यानी कि बैक साइड जो है वो भी अच्छी बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे डीप गले रहते हैं। आजकल जैसे हम डीप गला बनाते हैं, डीप गले के कारण क्या हो जाता है, शोल्डर जो है वो नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे हम बैक साइड का टक्स एकदम परफेक्ट देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारे ब्लाउज़ की लंबाई के ऊपर ये हम डिपेंड रहता है, या गला जो होता है वो कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। अब देखिए, यहाँ पे हम ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो ली हमने 15 इंच, यानी कि तैयार हमारी 14 इंच है। 14 इंच तैयार रहेगी तो यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 15 इंच लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे 4.5 इंच पर हम टक्स पॉइंट देंगे, 4.5 इंच पर यहाँ पर टक्स पॉइंट देने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, 5.5 या 6 इंच पर देंगे। यहाँ पे आप 6 इंच पे देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलाई में थोड़ा चला जाएगा, यानी कि 5.5 इंच का टक्स पॉइंट जो है वो हमारा तैयार रहेगा। 5.5 इंच का टक्स पॉइंट रहेगा, 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 इंच आपको टक्स की लंबाई रखनी है। यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्किंग करते हैं और यहाँ पे हमें 4.5 इंच रखना है, ये 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ आपको इस तरह से सीधी एक लाइन खींचनी है। अब देखिए, जब हमारा फ्रंट साइड का टक्स पॉइंट जो रहता है वो हमारा 2.5 इंच का रहता है, लेकिन जब हम बैक साइड का टक्स पॉइंट देते हैं वो हमारा 1/2 इंच का टक्स पॉइंट रहता है, 1/4 इंच इस साइड में और 1/4 इंच इस साइड में। आप ज़्यादा टक्स लोगे तो यहाँ पे हमारी कमर की फिटिंग जो है वो ख़राब आएगी, इसीलिए हमें क्या करना है, 1/2 इंच का ही टक्स पॉइंट देना है। यहाँ पे नीचे के साइड में हम ज़्यादा लेते हैं और ऊपर के साइड में हम कम करते हैं, जैसे जैसे हमारी मशीन की सिलाई आती है वैसे वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम कर रखना है और नीचे के साइड में इस तरह से थोड़ा ज़्यादा लेना है, यानी कि 1/2 इंच रखना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ब्लाउज जो है बैक साइड में जो ऊपर के साइड में जैसे इसे पलट जाता है तो वो नहीं होता। यहाँ पे हम फिटिंग अच्छे से करोगे तो यहाँ पे बैक साइड की जो कमर की फिटिंग है वो भी आपकी अच्छी आती है। यहाँ पे आप कम लोगे या ज़्यादा लोगे तो आपका कमर का जो नाप है वो गलत हो जाएगा, यानी कि जो कमर की फिटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, जो भी कमर का नाप होता है उसमें हम कमर का 1/4 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, और टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तो 1/2 इंच ये इस टक्स में जाता है और 1/2 इंच दूसरे साइड के टक्स में जाता है, यानी कि 1 इंच जो टक्स पॉइंट होता है वो हमारा इस तरह से यहाँ पे हमारा 1 इंच दब जाता है। उसके बाद 1.5 इंच जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा रहता है। अभी यहाँ पे हमने डीप गला लिया है, डीप गला लेने के कारण यहाँ पे टक्स पॉइंट की लंबाई आप बढ़ाओगे तो ये जो गला है इसकी फिटिंग जो है एकदम परफेक्ट आएगी। इस तरह से आप दोनों साइड में आपका
जो टक्स पॉइंट है वो अच्छे से दोगे या परफेक्ट नाप लोगे लेकर दोगे तो आपका जो बैक साइड की फिटिंग जो है या गले की फिटिंग जो है वो एकदम परफेक्ट आएगी। आपका शोल्डर जो है, जैसे ब्लाउज हमारा आगे के साइड में झुक जाता है वो भी नहीं झुकेगा, जैसे बैक साइड्स में हमारा ब्लाउज जो है ऊपर के साइड में इस तरह से पलट जाता है, जो नीचे के साइड में हम पट्टी लगाते हैं ऐसे इस तरह से पलट जाती है तो वो भी नहीं होता। यहाँ पे कमर की फिटिंग जो है वो भी एकदम परफेक्ट बैठती है। और डीप गला होने के कारण यहाँ पे हमारा जो चेस्ट में जो फिटिंग करते हैं यहाँ पे, ये भी हम ज़्यादा टक्स पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे ये जो फिटिंग है बैक साइड की पूरी एकदम परफेक्ट बैठती है। यहाँ पे आप गला जो है दोनों साइड से एकदम परफेक्ट टक्स पॉइंट दोगे तो ये जो बैक साइड का जो पूरी बैक साइड जो है एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड में जो टक्स पॉइंट होते हैं वो कितने है, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है और उसकी लंबाई कितनी रखनी है और उसका जैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे हम टक्स पॉइंट ठीक से नहीं देंगे तो उससे क्या गलतियाँ हो जाती है और एकदम परफेक्ट दोगे तो उससे ब्लाउज़ कैसा बैठता है, तो ये पूरा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया है। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।